तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या दोस्तों आप भी अपने योनो SBI जो एप्लीकेशन है ना उसका आप पासवर्ड भूल चुके हैं? आप किस तरीके से अपने योनो SBI ऐप का पासवर्ड प्राप्त कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लाइव आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर की एप्लीकेशन के थ्रू बताते हैं जहाँ से आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन तरीके आपको बताऊँगा बिल्कुल लाइव इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस तरह से योनो SBI का यदि पासवर्ड भूल गए तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आए दोस्तों समझते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले ना हमें अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ से हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर हमें सर्च करना है SBI ऑनलाइन लिख के, ठीक है, SBI ऑनलाइन ये लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे पहले नंबर पे एक साइट आ जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं फिर से एक नया ऑप्शन आता है कंटिन्यू टू लॉगिन का। यहाँ पर इस कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है, लेकिन हमें तो याद ही नहीं है अपना पासवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे एक ऑप्शन होगा फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड का, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऊपर पूछा जाता है आपसे एक डब्बे में कि क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्लिक करिएगा आप पासवर्ड यूजर नेम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमें पासवर्ड प्राप्त करना, तो पासवर्ड पे हमने क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट वाली बटन पर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करेंगे हमें कुछ अपना डिटेल्स देना होगा। जैसे हमें अपना यहाँ पर यूजर नेम डालना है, अपना खाता नंबर डालना है, अपना देश चुनना है कंट्री कौन सा आपका है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक है वह देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है जो इस फॉर्मेट में होगा जैसे आपको बताना चाहूँगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो ना ऐसे लीजिएगा और यहाँ पे स्लैश लगाकर, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना मंथ करिएगा, फिर आप ईयर्स करिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना रहता है, ठीक है। आप इस तरह से दीजिएगा और यहाँ पर इंटर द सो इमेज यहाँ पर जो कैप्चा में दिख रहा है, जैसे जो कैप्चा में हमारा है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे 92496 जो आपका कैप्चा में फ़ोटो दिखे वहीं यहाँ पे भरना होगा। हो सकता है आपका अलग कुछ दिख रहा हो, सबका अलग अलग दिखता है। तो आई मैं सारा फिल करता हूँ फिर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स ऐड कर दिया, अपना यूजर नेम, अकाउंट नंबर, कंट्री और मोबाइल नंबर, साथ में डेट ऑफ बर्थ और अपना कैप्चा। भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर हमारा लिंक है ना उस पर एक OTP आएगा। OTP हम यहाँ से भर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी OTP इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। और OTP भरने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए आपके सामने कैसा ऑप्शन फिर से आ जाता है। कह रहा है ना कि यहाँ पे तीन चीज़ आपको प्रूफ के तौर में पेश करना होगा, तीन में से कोई एक, उसके मदद से आप यहाँ पर अपना पासवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने ATM कार्ड की मदद से, प्रोफाइल पासवर्ड की मदद से, या आप ब्रांच के थ्रू। तो हम ATM कार्ड वाले को, पहले वाले को चुनते हैं, ATM कार्ड वाले को, यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, और सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब हमें अपने जो आप हमारा ATM कार्ड है ना उसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैं लाइव सारा कुछ दिखाऊँगा आपको। आपका ऊपर ना यहाँ पर डेबिट कार्ड का नंबर दिख जाएगा और इस पर क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको अपने ATM कार्ड का एक्सपायरी जो मंथ है, ईयर्स है, वह ले लेना होगा, जो आपका जो भी हो आपका, ठीक है। मैंने ले लिया, ठीक है। आपका यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम में आपका ATM कार्ड पर जो नाम छपा हुआ नाम देना है, और पिन वाले में जो आपका ATM का पासवर्ड है वह भरना है। तो आई मैं भरता हूँ फिर आगे की तरफ चलता हूँ। अपना पिन भरने के बाद नीचे आपको ना एक कोड दिखेगा जो डब्बे में है, या कोड आपको भरना है। जैसे मेरे में है BDD01, इस तरह से आप में भी एक कोड दिख रहा होगा, वही कोड भरना है। भरने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और देखिए कह रहा रेफरेंस नंबर इतना है, और ऑटोमेटिक एक नया पेज खुलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है।
हमें क्या करना है यहाँ पर, अपना नया वाला पासवर्ड बनाने के लिए ना यहाँ पर इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, दो बार आपको पासवर्ड भरना है। पासवर्ड आपको नया वाला बनाने के लिए क्या करना है, कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका नंबर नाम कोई भी हो, जैसे अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, फिर उसके बाद कुछ गणित के अंक, फिर उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं डॉलर के सिंबल को, एट द रेट को, हैच को, तो ऐसे पासवर्ड आपको बनाना है और 8 अंक से बड़ा पासवर्ड आपका होना चाहिए। एक बार और बताना चाहूँगा, एग्जांपल मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसा देख लीजिए, ऐसे फॉर्मेट आपको बनाना होता है, ठीक है। आई मैं बना के फिर सबमिट पर क्लिक करके आगे चलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बस आपको भर देना है दोनों में एक ही पासवर्ड, यहाँ पे पहले में और दूसरे में, तो आई मैं भरता हूँ, ठीक है। मैंने दोस्तों भर दिया, भरने के बाद सबमिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड यही वाला जो भी हम भरे हैं ना यही बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। बिकॉज मुझे चेंज नहीं करना है, बस प्रोसेस आपको बताना था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।